राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा कि मातृभूमि की सुरक्षा के लिए महिलाओं की भागीदारी संतोषप्रद रूप से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ महिलाओं के लिए भारतीय सेना में अधिक अवसर सृजित हो रहे हैं। देश की रक्षा के लिए लड़ना सौभाग्य की बात है, चाहे यह अवसर पुरुष को मिले या महिला को। ब्रिगेडियर रावत शुक्रवार अपराह्न महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस 28 अगस्त के उपलक्ष्य में योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के 5वें दिन भारतीय सेना में नारी विषय पर बतौर मुख्य वक्ता अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सेना में महिलाओं की भागीदारी 1888 में नर्सों की भूमिका के रूप में शुरू हुई थी, पर महिलाओं को फौज में लाने की पहली व्यवस्थित पहल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज में उन्होंने अलग से महिला बटालियन स्थापित कर यह सिद्ध किया था कि औरतें भी सेना में आ सकती हैं। ब्रिगेडियर रावत ने बताया कि भारतीय सेना में 1992 में महिलाओं को कमीशन मिलना शुरू हो गया और 2019 के बाद सेना के सभी अंगों में उनके प्रवेश की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना महिलाओं के लिए भी एक बेहतरीन करियर का विकल्प है। यह कम उम्र में क्लास 1 ऑफिसर बनने से लेकर प्रमोशन, जॉब सेटिस्फेक्शन के अलावा सबसे बड़ा आत्मीय सुख मातृभूमि की सुरक्षा में खुद के लगे होने का है। उन्होंने महिलाओं के लिए सेना में भर्ती की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि लैंगिक आधार पर कोई रियायत चाहने की बजाय महिलाओं के मन में देश की सुरक्षा के लिए खुद का श्रेष्ठ देने का भाव होना चाहिए। व्याख्यान माला की विशिष्ट वक्ता भारतीय वायुसेना की सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर स्मृति राखी अग्रवाल ने कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर ऐसा माना जाता है कि महिलाएं सेना के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक शक्ति व दृढ़ इच्छा शक्ति। हर क्षेत्र में लड़कियों ने यह साबित कर दिखाया है कि वह सब कुछ कर सकती हैं और सेना भी इसमें शामिल है। लड़कियां स्वयं सिद्धा हो चुकी हैं और उनके मन में भी अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना है। श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं को लेकर धारणा धीरे धीरे बदल रही है और आज के दौर में वह फाइटर पायलट बन रही हैं। महिलाओं के लिए खुद को साबित करने का सेना एक शानदार विकल्प है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वह पुरुषों की तुलना में खुद को किसी भी तरह से कमजोर ना समझे। लैंगिक समानता के अनुसार उन्हें अपना अधिकार चाहिए, तो इसके लिए उन्हें खुद को मजबूती से हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। व्याख्यान माला की अध्यक्षता महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉ. अतुल वाजपेयी ने तथा आभार ज्ञापन साध्वी नंदन पांडे ने किया। इस अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्राचार्य डॉक्टर डी एस अजीता, गुरु गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर गणेश बी पाटिल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर सुमित कुमार, डॉक्टर दीपू मनोहर, डॉक्टर पीयूष वर्षा, डॉक्टर एस एन सिंह, डॉक्टर जासोबेन, डॉक्टर प्रिया नायर आदि की सक्रिय सहभागिता रही। मंच संचालन आशीष चौधरी व शुभांकर वत्स ने किया। व्याख्यान का शुभारंभ बी ए एम एस की छात्राओं साक्षी सिंह, मामपी राय व दीक्षा द्वारा प्रस्तुत धन्वंतरी वंदना एवं सरस्वती वंदना से तथा समापन मधुलिका सिंह, अंशिका जायसवाल, कहकसा आसमा खातून, स्वाति श्रीवास्तव के वंदे मातरम गान से हुआ। इस अवसर पर सभी शिक्षक व बी ए एम एस प्रथम वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने बताया कि सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के अंतर्गत 27 अगस्त को अपराह्न 3 बजे से योग एवं आयुर्वेद की प्रगति में गोरक्षपीठ का योगदान विषय पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह व वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिनेश सिंह का व्याख्यान होगा।